अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। मैंने बोन के साथ लिया है। एक्चुअल में ये जो बनता है ओरिजिनल, ये बोनलेस चिकन से बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसे बोन में बनाया है क्योंकि मेरे बच्चों को बोन वाले चिकन ज़्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से बिना बोन वाले भी ले सकते हो। चलिए इसे फर्स्ट मैरिनेशन करते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मेरा चिकन 2 किलो है उस हिसाब से मैं मसाले डाल रही हूँ। आप अगर कम चिकन ले रहे हो तो अपने हिसाब से इस मसालों को कम कर लेना। तो देखिए इसमें मैं पूरा 1 नींबू निचोड़ के डाल दूँगी। फर्स्ट मैरिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा चिकन अंदर तक टेंडर होगा और बहुत ही जूसी बनेगा। तो देखिए अब इन सारे मसालों को हम इस तरीके से चिकन में अच्छे से लगा लेंगे। अच्छे से मसल मसल के इसमें सारे मसालों को लगा लीजिए और इसे हम रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए। चलिए इसे रख देते हैं हम एक साइड पे मैरिनेट होने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अलग से मसाले लिए हैं। तो ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने, और 1/2 टेबल स्पून लिया है मैंने भुना हुए जीरे का पाउडर, और ये मैंने चुटकी भर लिया है फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इन्हें डालने से कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को हमें चिकन में डालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चिकन को लगभग आधा घंटा हो चुका था। अब इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। ये सेकंड मैरिनेशन है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप दही। तो मेरा दही एकदम गाढ़ा है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ये दही भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो देखिए कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा भून लीजिए और इसे इस तरीके से हाथों से क्रश कर लीजिए और इसे डाल दीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चिकन टिक्का में। तो देखिए ये इसे मैंने इस तरीके से हाथों से एकदम मसल लिया है। अब इसे भी मैं डाल दूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल, कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चिकन में मसल के लगाना है ताकि सारे मसाले अच्छे से चिकन में लग जाए। आप लोग देख सकते हो जो हमने फूड कलर डाला है उससे कितना बढ़िया कलर इसमें आएगा, बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा आपका चिकन। अच्छे से इसे मैरिनेट कर लीजिए। तो चलिए देखिए मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे आपके ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है इसे मैरिनेशन के लिए रखने के लिए। कम से कम आप आधे घंटे के लिए तो रख ही दीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, लेकिन मैंने इसे रखा है ओवरनाइट के लिए। जितना आप चिकन को ज़्यादा देर दोगे रेस्ट के लिए, चिकन आपका उतना ही जूसी और अंदर से एकदम टेंडर हो जाएगा। इसीलिए मैं जब भी चिकन टिक्का या चिकन तंदूरी बनाती हूँ इसे मैं ओवरनाइट के लिए ही। चलिए अब दूसरे दिन देखिए, मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था, अब दूसरे दिन मैंने इसके बीच में एल्यूमिनियम फॉइल रखा है और जलता हुआ कोयला रख दिया इसके अंदर। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 टेबल स्पून ऑयल या घी या बटर, आप अपनी पसंद से डाल सकते हो, और इसे ढक देंगे। ये हम इसमें स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं, हमें एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है इसे, तो इसको इस तरीके से स्मोक देना ज़रूरी है। स्मोक मैंने 1 घंटे के लिए दिया था, 1 घंटा हो चुका है, अब ये फॉइल हम हटा देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने एक तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, फ्राई पैन रख दिया है मैंने गर्म होने। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है। इतने ही ऑयल में मैंने सारे चिकन को फ्राई किया था, पूरा 2 किलो चिकन मैंने इतने ही ऑयल में फ्राई किया था। तो देखिए जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम चिकन इस तरीके से डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हमें चिकन को पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल भी लो मत कीजिएगा क्योंकि हमें इसके ऊपर डॉट्स लाने हैं जो कि हाई फ्लेम पे रखने से ही होगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट में हमारे चिकन में कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो इसे मैं पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से कलर लाना है, तो दूसरी तरफ भी हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे।
दो से तीन मिनट बाद आप एक चिकन को उठा के देख लीजिएगा कि नीचे से कलर अच्छा आया है या नहीं, उस हिसाब से आप पलट लीजिए। आप देखिए 4 से 5 मिनट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया इसमें कलर आया है दोनों तरफ से। और इसे आप अलट पलट करके हाई फ्लेम पे ही चारों तरफ से अच्छा सा कलर लेके आ जाइए। अब इसके बाद मैं इसे कर दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, इसे मैं पकने दूंगी ढक के। अभी हमें चिकन को गलाना भी है, तो देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसे पकाया है और आप लोग देख सकते हो चिकन ने अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है। इसे मैं एक बार इस तरीके से पलट लूंगी। ये बहुत ही बढ़िया डिश बनके रेडी होती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन का आप ध्यान रखिएगा वरना चिकन जल जाएगा, इसलिए आप बीच बीच पे खोल के इसे ज़रूर चलाते रहिए। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी। चलिए देखिए यहाँ पर ये पक रहा है, जब तक यहाँ पर मसाला हम रेडी करते हैं तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है गर्म होने के लिए और इसमें मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल को हम गर्म होने देंगे अच्छे से, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और जीरे को तड़कने देंगे। जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो देखिए मैंने ये 3 प्याज को बारीक चॉप किया है, चॉपर में मैंने इसे चॉप किया है। जितना बारीक आप चॉप करोगे उतना ही मसाला बहुत बढ़िया बनेगा। तो देखिए अब इसे डाल देंगे हम ऑयल में और इसे हम पकने देंगे जब तक के प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। हमें इसे पकाना है अच्छी तरीके से। चलिए ये पक रहा है, जब तक मैं आपको मसाले बता देती हूँ इसके। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे चाट मसाला। ये हमारे मसाले हैं ग्रेवी के। अब देखिए यहाँ पर हमारी प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है और यहाँ पर देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए चिकन को हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में और इसी तरीके से हम सारे चिकन को फ्राई करेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, लग रहा है ना रेस्टोरेंट के जैसा। और देखिए यहाँ हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ हम इस तरीके से मिक्स करेंगे, भूनेंगे अच्छे से ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए, हमें इसे इतना पकाना है। तो देखिए अदरक लहसुन भी अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हो साइड साइड से ऑयल निकल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, अभी वो मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसमें अभी हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पानी डालेंगे इसलिए क्योंकि मसाले हमारे नहीं तो लग जाएंगे नीचे, जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालिए और मसालों को अच्छी तरीके से भून लीजिए। जितना अच्छा हम मसाला भूनते हैं ना तो हमारा जो भी ग्रेवी होती है, जो भी हम बनाते हैं वो बहुत ही बढ़िया बनती है। मसाला अच्छा भुनने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे एकदम ही जला दीजिए या उसका एकदम ही टेस्ट खराब कर दीजिए या उसमें कड़वापन आ जाए। बस इतना हमें भुनना है कि मसाला ऑयल छोड़ दे। तो आप लोग देख सकते हो मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन चुका है, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो देखिए ये मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना ली है, आप लोग देख सकते हो मेरे टमाटर कितने लाल हैं। अब इसे हम डाल देंगे हमारे मसाले में और मसालों के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने प्यूरी डाली है टमाटर की तो ये बहुत उछलेगा, इसलिए इसे इस वक्त थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब ढक दीजिए ताकि मसाले आपके ऊपर आए नहीं। और इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक के ये ऑयल नहीं छोड़ देता, जब तक हमें इसे पकाना है, साइड साइड से जब इसका ऑयल रिलीज होगा तब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो देखिए अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक टमाटर का पानी सूख चुका है, फिर भी मैंने इसे ढक के और 2 मिनट पकाया है। अब देखिए टमाटरों ने भी ऑयल को रिलीज कर दिया है अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैरिनेशन का मसाला बचा था, जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसका जो मसाला बचा हुआ था वो डाल देंगे इसके अंदर। अब ये डाल के भी हमें इसे अच्छे से मिक्स करके पकाना है। अब चाहे तो पहले जब आपने सूखे पाउडर मसाले डाले थे उसके साथ ही ये भी डाल सकते हो। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी और इसे पकने दूंगी 2 से 3 मिनट तक।
चलिए देखिए, आप लोग देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, सारा पानी इसका सूख चुका है, मसाले ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी फ्रेश हरा धनिया और ये जाड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें है, इसे मैं कट करके इस तरीके से डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हो। अब चलिए, अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने चिकन टिक्का बना के रखा था, उसे डाल दीजिए और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे मसाले चिकन पे अच्छे से लिपट जाए। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के इसे चला रही हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इसे पकाते वक्त, क्योंकि मेरा जो होल्डर था फ़ोन का वो टूट गया था, तो इसलिए मुझे आज बहुत दिक्कत हुई ये रेसिपी शूट करने में। आप लोग देख सकते हो कैमरा कितना हिल रहा है और मुझे चम्मच भी इसमें चलाने नहीं हो रहा था। अब मैंने इसमें डाला है पानी, टोटल मैंने इसमें एक कप पानी डाला है, क्योंकि अभी हमें जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर है उसे भी हमें गलाना है चिकन को, और इसमें थोड़ा सा हमें ग्रेवी भी चाहिए, तो इसे एक कप पानी डाल दिया है और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक रख दूंगी मैं। और यहाँ पर देखिए मैंने एक कप लिया है फ्रेश क्रीम का, आप चाहे तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसे खोला है, अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम, जिससे कि बहुत ही आपकी ग्रेवी एकदम रिच बनेगी, बहुत ही टेस्टी। फ्रेश क्रीम डालते ही आपकी ग्रेवी का टेस्ट एकदम ही चेंज हो जाएगा, एकदम ही ये खाने में आपको रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। आप लोग देख सकते हो इसका कलर भी कितना बढ़िया हो गया है। अब इसे हम पकने चलाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। कसूरी मेथी का भी एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं फिर से ढक दूंगी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी, और उसके बाद मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद और 10 मिनट के बाद इसे मैं सर्व करूंगी। तो बीच में देखिए मैंने एक बार इसे फिर से खोला है और इसे हल्के हाथों से चलाया है मैंने, ताकि हमारा मसाला नीचे बिल्कुल भी लगे नहीं, और बिल्कुल भी मेरा मसाला नीचे लगा नहीं था। तो चलिए अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ढक के ही मैं रहने दूंगी, फिर 10 मिनट बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो चलिए देखिए 10 मिनट हो चुका है और देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी हमारी ग्रेवी रेडी हुई है। चिकन टिक्का मसाला बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था ये, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को अगली रेसिपी कौन सी देखनी है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की फरमाइश पूरी करने की। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके घर में आपने ये मेहमानों के आगे सर्व किया तो मेहमान बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाया है, वो समझेगी कि आपने इसे किसी रेस्टोरेंट या ढाबे से मंगाया है। इतना टेस्टी बनके ये रेडी होता है, मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे अगर उनको ये पता चलेगा कि ये आपने घर में ही बनाया है। तो देखिए इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि आप जब भी आपका चिकन टिक्का मसाला खाने का मन हो तो आप घर में ही इसे बनाओगे, कभी भी आप रेस्टोरेंट या ढाबे से ऑर्डर नहीं करोगे। तो देखिए कितने मज़े का ये ग्रेवी रेडी हुई है। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।